गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट, हेल्दी एंड सेफ. सेफ इज द बेटा वेरी इंपॉर्टेंट. सेफ रहिए, कोरोना से बच कर रहिए और मास्क जरूर लगाइए. ओके, और पेरेंट्स को भी एनकरेज करिए. अगर पेरेंट्स नहीं लगा रहे हैं तो भी आप एनकरेज करिए, पेरेंट्स को करिए, गेस्ट को करिए, जो भी आ रहे हैं आप सबको एनकरेज करिए. और खुद भी अपने भी मास्क लगाइए और सबको मास्क के लिए बोलिए, ठीक है? और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए, पूरा साफ सफाई रखने के लिए. ओके, चलो, तो ये तो बात हो गई. अब हम आते हैं, जो हम आए हैं 27 पेज नंबर पे. आज हमारा वाइब्रेंट वर्ड है ना एसएसटी की, तो इस पे हम पेज नंबर 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. पेज नंबर 27 बेटा पीरियोडिक टेस्ट है, ये आपको खुद फिल करना है, ठीक है? जो भी एक्सरसाइज पीछे गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग है. अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना. आप वैसे आप कर लोगे क्योंकि आपने लास्ट एक्सरसाइज सारी कर करके भेजी है, तो आप ये इजिली ये पीरियोडिक टेस्ट कर लोगे. फिल कर लेना पूरा बुक में, ठीक है? और जो भी बुक में है वो कॉपी में जरूर होना चाहिए. तो पीरियोडिक टेस्ट हेडिंग डाल के आप ये डायरेक्ट कॉपी में कर लोगे. यहाँ पे ये देखो, ये पहला फिल करोगे तो पहले सिर्फ आंसर आंसर लिखते रहना कॉपी में, ठीक है? जैसे आपने ये हेडिंग लिखी जंक फूड इज, फिर यहाँ पे बैड फॉर आवर हेल्थ, ऐसे फिलअप्स बना के कॉपी में कर लेना पीछे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है? तो ये सारा कर लेना. जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो आज हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे, गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स मतलब क्या? गुड हैबिट्स मतलब कि हम लोग टाइम से उठ जाएं, टाइम से ब्रश करें, टाइम से खाना खाएं, डस्टबिन में कूड़ा फेंकें, पौधों में पानी दें, मम्मा की बात माने, अपने नेल्स कटिंग करें, ठीक है? तो ये सारी गुड हैबिट्स हैं, ठीक है? सबको रिस्पेक्ट दे, छोटा हो चाहे बड़ा, बड़ों को प्रणाम करें, छोटों को प्यार करें, तो ये सारी गुड हैबिट्स है ना. गुड हैबिट्स करके हम लोग एक गुड पर्सन बनेंगे, ठीक है? इस सब चीजों को फॉलो करके, गुड हैबिट्स को, हम एक गुड पर्सन बन जाएंगे. बनेंगे कि नहीं, गुड बॉय या गुड गर्ल, ठीक है? अगर मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करूंगी तो सब लोग मेरी तारीफ करेंगे ना, सब लोग कहेंगे ना कि अरे वाओ, शी इज डूइंग वेरी गुड, शी इज डूइंग वेरी गुड, या ही इज डूइंग वेरी गुड, करेंगे ना. तो ऐसे ही हम लोग आज गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सो पेज नंबर 29 पे सब लोग आप लोग देखिए. सो देखो बेटा, पेज नंबर 29, गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं? एक तो ब्रशिंग योर टीथ, ब्रशिंग योर टीथ है ना, तो ये गुड हैबिट हो गई. देन ये देखो, यहां पे पानी नहीं ऑन है ना, ब्रश कर रहा, तो ये गुड हैबिट हो गई. तो यहाँ पे हम स्माइली बना देंगे, यस हैप्पी. तो ये देखो, नल चल रहा, ब्रश कर रहा, तो ये बैड हैबिट हो गई ना, हमको पानी थोड़ी ना वेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम सैड बना देंगे. देन ये देखो, डस्टबिन में ये नहीं कचरा फेंक रहा है, नीचे फेंक रहे हैं, तो ये बैड हैबिट हो गई. ओके, ये देखो, शी इज गिविंग वाटर टू प्लांट्स, इट्स मीन इट्स अ गुड हैबिट. देखो ये अपनी नेल्स बाइट कर रहे हैं, कई बच्चे नेल्स कट करते हैं ऐसे टीथ से अपने, तो ये बेटा बैड हैबिट होती है. ये देखो, मम्मा नेल्स कट कर रही है, इट मींस ये गुड हैबिट है. अंडरस्टूड? तो ऐसे आप स्माइली बनाते रहेंगे, एक स्माइली बनाएंगे और एक बैड, ये जो इमोशन, ये जो इमो बनाएंगे, ये सैड वाला बैड के लिए, ठीक है? ठीक है, ऐसे आप फिल करेंगे. उसके बाद देखो, हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित, माई टीचर से, कीप योर सेल्फ क्लीन, इट विल कीप यू हेल्दी. तो आप भी साफ सफाई रखोगे आसपास तो आप भी हेल्दी रहोगे, सब लोग हेल्दी रहेंगे. अगर हम क्लीननेस नहीं रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, गंदगी रखेंगे, तो हम भी बीमार पड़ेंगे ना सबके साथ साथ. तो ऐसे ही इट विल कीप यू हेल्दी. रीवा एंड रोहित आर हैप्पी चिल्ड्रन, डू यू नो वाई दे आर हैप्पी? देखो हंस रहे दोनों, तो पूछ रहे वाई, बिकॉज रीवा एंड रोहित फॉलो सम गुड हैबिट्स. तो ये दोनों गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं. देयर मदर हैज पुट अप अ चार्ट फॉर डूज एंड डोंट्स इन देयर रूम. तो बेटा आप भी ऐसे चार्ट्स बना सकते हो, डूज एंड डोंट्स, जो आपको करना है वो डूज, डोंट्स में जो नहीं करना है, ठीक है? गुड हैबिट्स जो भी है वहां पे डूज में लिख दो, डोंट्स में जो नहीं करना है. तो जब आप गुड हैबिट को फॉलो करोगे तो आप भी हेल्दी, फिट और फाइन रहोगे, ठीक है? तो जैसे पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, 29 तो हो गया, 30 पे देखो डूज. तो उस चार्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है. गेट अप, डूज में देखो, डूज देखो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम सबको पता है. सो एक ये गुड हैबिट हो गई, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. देन ब्रश योर टीथ व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो तुरंत हमको ब्रश करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और ब्रश देम अगेन बिफोर गोइंग टू द बेड एट नाइट, और एक बार और करना कब चाहिए, बिस्तर में जाने से पहले. तो बिस्तर छोड़ते ही एक बार ब्रश करेंगे और बिस्तर में जाने से पहले एक बार ब्रश करेंगे, ठीक है?
तो दो बार हमको ब्रश करना है ना, दो बार ब्रश करेंगे तभी तुम्हारे टीथ हेल्दी रहेंगे। उसके बाद टेक अ बाथ एवरी डे, हम लोगों को डेली बाथ करना है, डेली नहाना है, उससे हम साफ सुथरे रहते हैं ना। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमको अपने हैंड्स को भी वॉश करना है खाने से पहले भी, ताकि हमारे हाथ में जर्म्स ना लगे और फिर खाने के बाद हाथ गंदे हो जाते हैं, तो उसके बाद भी वॉश करना है। तो दो बार हमको हैंड वॉश करना है, एक बार खाने से पहले बिफोर एंड आफ्टर मील, आफ्टर ईटिंग, ओके। टेक हेल्प ऑफ एन एल्डर टू ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, तो हमारे जो नेल्स बढ़ जाते हैं हम खुद नहीं काट पाते ना, हम लोग छोटे छोटे हैं, मैं तो काट लेती हूँ, मैं तो बिग हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, बट आप लोग छोटे हो, अपने नेल्स नहीं काट सकते हो, तो पेरेंट्स काटेंगे, कोई भी आपका बड़ा भाई बहन मम्मी पापा दादी बाबा जो भी है वो आपके नेल्स कट कर दें टाइम टू टाइम, ठीक है। कवर योर नोज एंड माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग, तो ये बेटा ये भी एक गुड हैबिट है, ये नहीं कि हमने छींका किसी पे, हमको स्नीजिंग आई या हमको खांसी आई तो हम किसी के मुंह पे ही खांस रहे हैं, मुंह पे ही छींक दे रहे हैं, उसके लिए हमको एक हैंकी रखना चाहिए। अगर हैंकी नहीं है उस टाइम पे आपके पास, तो अपनी अपनी एल्बो ऐसे करके आप स्नीज कर सकते हो, ठीक है, अगर हैंकी नहीं है तो, ठीक है। तो ये नहीं किसी के मुंह पे ही छींक दिया, किसी के मुंह पे ही खांस दिया, तो ये बैड हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक हैंकी रखेंगे हम लोग। गो टू बेड अर्ली एट नाइट, और एक तो सोना जल्दी है और उठना भी जल्दी है, तो ये उठना होगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू बेड अर्ली एट नाइट, जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठेंगे ताकि हमारी नींद पूरी हो जाए, ओके। तो ये हो गए डूज, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ टू टाइम्स, टेक अ बाथ एवरी डे, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग, टेक अ हेल्प ऑफ योर एल्डर टू ट्रिम नेल्स, कर योर नोज एंड माउथ विद हैंकी व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग, और गो टू बेड अर्ली एट नाइट, ओके। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए। अब हम आएंगे डोंट्स पे, कि हमको बैड हैबिट्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को नहीं खाना चाहिए, बैड हैबिट होती है, क्योंकि नेल्स में सारे जर्म्स होते हैं बेटा, ये सारे अब कट करोगे तो सारे मुंह में चले जाएंगे, मुंह से फिर टमी में चले जाएंगे, फिर इन्फेक्शन फैलाएंगे, तो डोंट बाइट योर नेल्स। फिर डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन द माउथ और नोज, देखो ये बच्चा कैसे नोज में फिंगरिंग कर रहा है ना, या मुंह में, तो बेटा हैंड्स हमारे डर्टी होते हैं ना हर समय, अगर हम वॉश करते रहेंगे तो भी हमको नोज में तो नहीं फिंगर डालनी चाहिए, बैड हैबिट होती है ये, ठीक है। डू नॉट लाई डाउन व्हाइल रीडिंग, पढ़ते समय बेटा प्रॉपर पोस्चर में बैठना चाहिए, कभी भी लेट के पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो डू नॉट लाई डाउन व्हाइल रीडिंग, कभी भी पढ़ो तो बैठ के आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर ईयर्स, ईयर्स में कुछ नहीं भर रखना चाहिए, अगर कई बच्चे ना वो मैचस्टिक का डाल देते हैं, अच्छा कुछ भी डाल देते हैं ईयरबड टाइप का, तो कुछ नहीं बेटा, आप लोग बहुत छोटे हो, आपके कान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कान सही रहेंगे तभी ना सुन पाओगे जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हो ना, तो कैसे सुनोगे जब आपके कान ठीक रहेंगे, तो उसमें कभी भी कुछ गलत नहीं डालना, कुछ भी ऐसे नहीं कि पेंसिल की नोक डाले, कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज आपको अपने कानों में नहीं डालनी है। डोंट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स, क्योंकि हमारे हैंड्स बेटा हम बार बार नहीं धुलते हैं ना, जब हमको कुछ खाना रहता है फिर कुछ गंदे होते हैं तभी धुलते हैं, तो इसीलिए हाथ हमेशा नहीं कोई धुल पाता है, तो इसीलिए इस टाइम पे, तो देखो कोरोना के टाइम पे कितने बार बार हम लोग हैंड सैनिटाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसलिए डोंट रब योर आईज विद डर्टी हैंड, अगर हमारा हाथ गंदा है तो हमको आईज के पास नहीं ले जाना चाहिए, और उसको ऐसे रब नहीं करना है कि मुझे आंख में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं करना है, गंदे हाथों से अगर हाथ धुल लो फिर आप अपने आईज के पास ले जाओ, ठीक है। डोंट वॉच टेलीविजन टू मच, और टेलीविजन बेटा बिल्कुल नहीं ज्यादा देखना है, आप लोग आजकल मोबाइल और टेलीविजन बहुत ज्यादा देख रहे हो, तो इस पे हमारे आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, और आईज पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम लोग अच्छे से, हमारा विजन वीक हो जाएगा, हमको अच्छे से दिखेगा नहीं, अच्छा सा नहीं दिखेगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग डॉक्टर इंजीनियर्स या डीएम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, कलेक्टर कैसे बनेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तभी ना बनेंगे, तो पढ़ने के लिए हमारी आईज सही होना चाहिए, हमारा ईयर हमारा पूरा बॉडी सही होना चाहिए तभी ना, तो आईज ही खराब हो जाएंगी, मोटे मोटे चश्मे ही लग जाएंगे तो कैसे पढ़ाई करोगे उतनी मोटी मोटी बुक्स, तो आईज का बहुत खास ख्याल रखा करो, ठीक है। तो ये कुछ डोंट्स है, डोंट बाइट योर नेल्स, डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन द माउथ और नोज, डोंट लाई डाउन व्हाइल रीडिंग, डोंट पुट एनीथिंग इन योर ईयर्स, डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स, डू नॉट वॉच टेलीविजन टू मच, ठीक है। तो ये सब बैड हैबिट्स हैं, दीज आर बैड हैबिट्स, ओके, एंड दीज आर गुड हैबिट्स।
ओके तो इसको आप रीड करेंगे और फिर हम यहां पे आ जाते हैं. आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, राइट. अगर आपने किया है तो ही आप लिखना, ये नहीं कि नहीं किया तो नहीं, यहां पे राइट कर दिया. ओके और ये क्या है, नेल कटर, टॉवल, सोप एंड टूथब्रश या टूथपेस्ट, जो भी लिखना है. ठीक है, तो ये आप लिख लोगे और ये टिक मार्क कर लोगे राइट और रॉन्ग. ओके अब गुड हैबिट्स लिख, यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स लिख देना. वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, वी शुड टेक बाथ डेली, वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली. ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स ही है ना, तो और भी हैं देखें हम लोग 32 पेज पे, चार ही पॉइंट्स है तो बेटा इसको फिल कर लेना. ठीक है, ठीक है ना, उसमें से यहां से देख के आप फिल कर लेना. उसके बाद ये आप स्नेक एंड लेडर्स देख ही रहे हो खेलने के लिए. डू यू फ्लश टॉयलेट आफ्टर यूज, आप फ्लश करते हो ना, टॉयलेट जाने के बाद फ्लश कर देना चाहिए. यस, ये इट्स अ गुड हैबिट, नो कर दोगे तो बैड हैबिट हो जाएगी, इसलिए फ्लश जरूर करना. डू यू वॉश योर हैंड्स विद द सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यस, है ना. टॉयलेट के जाने के बाद हम लोग सोप से धुलते हैं ना या हैंड वॉश से धुलते हैं ना अपने हैंड्स को, तो बेटा गुड हैबिट मेंटेन करने के लिए सफाई भी जरूरी है, तो सफाई जरूर रखिए आप लोग. इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है तो सफाई बहुत जरूरी है. इस चैप्टर को आप रीड करेंगे, इसको फिल करेंगे, जो नहीं आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.